अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड लेक्चर जो फर्स्ट मॉड्यूल का है, टेक्निकल एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स और या डेटा एनालिस्ट, राइट। सो डेटा एनालिटिक्स इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग अ डेटा सेट टू अनकवर ट्रेंड्स एंड इनसाइट दैट आर सब्सिक्वेंटली यूज्ड टू मेक इनफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। तो डेटा एनालिटिक्स का सेम यूसेज है कि आप एनालिटिक्स टूल यूज करके वहां से इनसाइट जनरेट करके अपने क्लाइंट को पास ऑन कर सके। तो इनमें दो चीज का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे पहला आप देखोगे मेंशन किया गया है, वर्किंग विद अ बिजनेस लीडर्स टू लीडर्स एंड स्टेक होल्डर टू डिफाइन अ प्रॉब्लम और बिजनेस नीड, कि आपको सबसे पहले क्लाइंट से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, उनके बिजनेस क्या है उसको समझना पड़ेगा और उस डेटा से वो क्या इनसाइट जनरेट करना चाहते हैं, क्या उनको लाना है वो आपको समझना पड़ेगा। तो आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। सेकेंड उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग एंड सोर्सिंग डेटा, कि क्लाइंट का जो भी डेटा है, जो कंपनी का बिजनेस है, वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, क्लाउड बेस पे होता है या उनका कुछ दूसरा है, तो वो डेटा कैसे आप अपने सिस्टम में लेके आ पाओगे। डेटा जब आपको मिल जाएगा तो उसका क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ डेटा एनालिसिस होता है, क्योंकि जो डेटा होता है वो रॉ डेटा होता है और मेजॉरिटी ऑफ द काम पूरे प्रोजेक्ट्स के अंदर, मैं अगर कहूँ, अगर मैं जिस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था, ऑलमोस्ट हमारा 80% ऑफ द काम सबसे ज्यादा डेटा क्लीनिंग और डेटा को बार बार सही करने में चला जाता है, क्योंकि हार्डली एनी कंपनी जो डेटा को स्ट्रक्चर वे में रख पाती है। सो अभी के टाइम पे बहुत सारी कंपनी फोकस कर रही है कि स्ट्रक्चर वे में रख करके और आगे वाले वक्त में 1-1.5 साल में स्ट्रक्चर वे में हो जाए और डेटा फिर ऑटोमेटिकली स्टोर हो, सो दैट वो रियल टाइम पे इनसाइट जनरेट कर सके, एनालिटिक्स जनरेट कर सके। उसके बाद आपको डेटा आपका क्लीनिंग हो जाता है, सब हो जाता है, फिर एनालाइज करते हैं, पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं और अपने क्लाइंट्स को हम प्रेजेंट करते हैं। सो आप जो डेटा आपको मिलता है उससे इनसाइट जनरेट करना है और उसको स्टोरी वे में उसको एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि आप ए बोल रहे हो उसके सीधा जेड जा रहे हो, तो आपको ए बी सी डी हो करके जाना पड़ेगा, जहां पे क्लाइंट को भी बेटर उनके बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होता है और उस डेटा को अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। सो यू शुड बी अ वेरी गुड स्टोरी टेलर विथ रिस्पेक्ट टू अ डेटा दैट दे हैव गिवन। सो ये आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और स्टोरी टेलिंग आना चाहिए। सेकेंड इसके अंदर जो टेक्निकल नो हाउ में रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको एसक्यूएल इज द मस्ट, जहां पे आपको बेसिक ज्वाइन क्वेरीज फेच करने आना चाहिए या डेटाबेस से डेटा कहां से निकालना है। आपको आई थिंक 1-2 घंटे का वीडियो मैं उस पर बना दूंगा एसक्यूएल के ऊपर, जहां पे जो इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं कि किस तरह से फेच किया जाता है, और उतना ही काफी है बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिस्ट को, राइट। अगर आपको एडवांस एसक्यूएल आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपका काम डेटाबेस मैनेजमेंट करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको वो डेटा कहां से लेकर के आना है, किस तरह से डेटा सोर्स को कनेक्ट करना है, उसके लिए एसक्यूएल का यूज होता है, राइट। एंड उसके बाद आपको आर पाइथन अगर आता है, सो आपको एक एज और मिलता है इस स्पेस के अंदर में, क्योंकि आर और पाइथन का अभी के टाइम पे बिजनेस इंटेलिजेंस में इतना यूसेज नहीं है, बट अगर आपको वो आता है सो यू कैन गो फॉर मोर प्रिडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में भी आप जा सकते हो। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन टूल आ जाता है, जिसमें पावर बी आई, टैबलू और क्लिक सेंस ये सब होते हैं, जिसमें आप कोई भी एक टूल पे अगर मास्टरी कर लेते हो तो काफी हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये एक फाउंडेशन है, ये इसका ऊपर भी मैं लास्ट में वीडियो कवर करूंगा। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 15-20 फॉर्मूले आना चाहिए, किस तरह से डेटा एनालिसिस होता है, पिवट पे कैसे बनता है, अगर आपका ये फाउंडेशन अगर बेहतर है सो ऑटोमेटिकली आप इस सारे टूल्स पे काम कर पाओगे। इसके बाद आपको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, मैथ्स और स्टैट्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए, इतना भी नहीं कि बहुत एडवांस, बेसिक आना चाहिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में जाना है। सो आज जो मैं ये कोर्स डिजाइन किया हूँ इट्स फॉर प्योरली डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जहां पे हम हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पे कंपनी क्या डिसीजन ले सकती है उसमें हेल्प करेंगे। और कम्युनिकेशन, तो यू शुड बी एबल टू आस्क अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी मतलब जो सेंसिबल क्वेश्चन है अपने क्लाइंट से, उनके बिजनेस से रिलेटेड, सो दैट आप एक राइट इनसाइट जनरेट कर सके। तो टेक्निकल प्लस बिजनेस, ये दोनों ही डोमेन की रिक्वायरमेंट है फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिस्ट।